हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज 11 के बारे में। दोस्तों, विंडोज 11 में ऐसा क्या है जो लोग इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बताऊं। कोई कहता है कि मेरे कंप्यूटर में विंडोज 11 इंस्टॉल होगा, कोई कहता है कि मेरे कंप्यूटर का रैम इतना ही चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या मेरे कंप्यूटर में इतना सारा रैम होने के बावजूद भी कुछ लैग होगा, विंडोज 11 के साथ लैपटॉप कब तक मिलेंगे, कब तक मुझे प्री इंस्टॉल्ड अगर ओएस लेना है तो कब तक मिलेगा। भाई, इतने सारे सवाल है कि क्या बताऊं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर टेक्नोलॉजी में आप नया कुछ जानना या सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और अलर्ट पे भी क्लिक कर दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो के अलर्ट आपको मिलती रहे जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि विंडोज 10 में और विंडोज 11 में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, विंडोज 11 में विंडोज 10 के लगभग सारे चीज आते हैं, उसके साथ साथ नए कुछ साउंड्स, नए कुछ टूल्स, नए कुछ एप्लीकेशंस आते हैं। दोस्तों, इसमें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, यूजर एक्सपीरियंस यानी कि यूजर इंटरफेस जो मिलता है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस देखने को मिलता है जो पहले के विंडोज के वर्जन में नहीं मिला। काफी अट्रैक्टिव और सूदिंग डिजाइन बनाया है। काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि विंडोज 11 हमें कब तक प्री इंस्टॉल्ड लैपटॉप या कंप्यूटर में मिल सकता है। दोस्तों, ये हमें इस साल के आखिर तक मिलने की उम्मीद है जैसा माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि मेरे पास पीसी या लैपटॉप है लेकिन विंडोज 11 की जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर नहीं है, तो क्या होगा, मेरा विंडोज बंद हो जाएगा कि मुझे कंपलसरी मुझे अपग्रेड करना ही पड़ेगा, इसमें क्या है, क्या होगा। दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है कि आप विंडोज 10 को इस्तेमाल कर सकोगे लेकिन कब तक, वो है 14 अक्टूबर 2025 तक जैसा माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली आप आराम से अपने टाइम के हिसाब से 14 अक्टूबर 2025 के पहले पहले आप अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये भी हो सकता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अपनी डिसीजन चेंज करता है तो हो सकता है कि ये डेट आगे पीछे हो सकती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो डेट डिक्लेयर किया है माइक्रोसॉफ्ट ने वो किया है 14 अक्टूबर 2025 तक विंडोज 10 आप यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट उसको सपोर्ट करेगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का 10 वाला एडिशन खरीद लिया है, अब मुझे अपग्रेड के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि हम में से कई सारे लोगों ने विंडोज 10 परचेज कर लिया है, अब क्या करें, क्या अपग्रेड के लिए फिर से पैसे देने की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है दोस्तों कि अगर आपके पास विंडोज 10 है, लाइसेंस्ड वर्जन है, तो आपके लिए ये फ्री है। लेकिन इसमें एक कैच है दोस्तों, कि वो है कि आपका मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाना चाहिए। अगर आपका मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है तो आपको ये अपग्रेड नहीं मिल सकता है। तो आप पहले चेक कर लो कि आपका जो लाइसेंस वाला विंडोज जिस पे इंस्टॉल्ड है, जिस पीसी या लैपटॉप पे, क्या वो आपका विंडोज 11 के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट मिनिमम चाहिए वो है कि नहीं। अगर है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर आपको हार्डवेयर अपग्रेड करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मैं अभी लैपटॉप या पीसी खरीद रहा हूं, इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हार्डवेयर का है ये मीट होता है कि नहीं होता है, कैसे पता चलेगा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का इस बारे में कहना है कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो आप ये पहले कंफर्मेशन कर लो सेल्स पर्सन से या सेल्स प्रोफेशनल से जो आपके साथ डीलिंग कर रहा है कि इसमें आपका जो हार्डवेयर है विंडोज 11 से कंपैटिबल है, यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हार्डवेयर की है वो उसके अंदर है। और दूसरा तरीका है दोस्तों कि ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर देख लेना कि टैग लगा हुआ है कि नहीं, कि ये विंडोज 11 कंपैटिबल प्रोडक्ट है, तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट विंडोज 11 की मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। अगला पॉइंट आ रहा है दोस्तों कि विंडोज 11 के साथ पीसी या लैपटॉप हमें कितने का मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से दोस्तों, जितने भी पीसी या कंप्यूटर या लैपटॉप मैं बोलूं मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपने अपने प्राइस पॉइंट पे बेचेंगे, कोई ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं है, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि मैं लैपटॉप या पीसी विंडोज 11 के साथ कैसे खरीद सकता हूं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है, लेकिन जैसे ही लॉन्च होगा, रिटेलर जो अलग अलग टाइप के हैं वहां पे अवेलेबल हो सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां पे भी हो अवेलेबल करा सकता है।
अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि क्या मैंने जो एक्सेसरीज विंडोज 10 के साथ खरीदा था क्या विंडोज 11 में चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा कहना है कि वो सारे एक्सेसरीज विंडोज 11 के साथ चलेंगी जो विंडोज 10 में चलती थी, लेकिन यहां पे उसने कैच रख दिया, लेकिन आपको विंडोज 11 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, यानी कि विंडोज 11 के लिए जो जो चीजें चाहिए वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कि आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपने जिस मैन्युफैक्चरर से आपकी एक्सेसरीज खरीदी है आप उस मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि मैं पीसी या लैपटॉप अभी खरीदना चाहता हूँ, क्या मुझे वो विंडोज 11 आगे मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट का क्या कहना है, माइक्रोसॉफ्ट का कहना है दोस्तों कि आप विंडोज 10 के साथ पीसी अभी खरीद सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीसी या लैपटॉप को वो अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड कि आपका वो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए, यानी कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर आप जो खरीद रहे हो विंडोज 11 की जो हार्डवेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि मैं अपना विंडोज 10 का पीसी या लैपटॉप कब तक अपग्रेड कर पाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है दोस्तों कि आप जो विंडोज 10 का जो वर्जन यूज कर रहे हो सबसे पहले मेक श्योर करो कि वो लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड के साथ चल रहा है। उसके बाद दोस्तों ये कहता है माइक्रोसॉफ्ट के उस लैपटॉप या पीसी की हार्डवेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट अगला जो पॉइंट कहता है दोस्तों वो कहता है कि अर्ली 2022 तक वो अपग्रेड देना चालू कर देगा। ये भी कह रहा है कि अभी कुछ पीसीज में ऑलरेडी अपग्रेड्स दे चुका है और वो चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्चुअल में रोल आउट प्लान होगा दोस्तों वो होगा 2022 के अर्लियर स्टेज में। और माइक्रोसॉफ्ट का ये भी कहना है दोस्तों कि सारे के सारे विंडोज 10 के पीसी जो एलिजिबल है विंडोज 11 के लिए वो एक साथ सबको अपग्रेड नहीं देगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका पीसी या लैपटॉप विंडोज 11 के लिए एलिजिबल है कि नहीं तो आपको एक ऐप यूज करना पड़ेगा जो है पीसी हेल्थ चेक ऐप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे जाके डिटेल चेक कर सकते हो। अब जान लेते हैं कि विंडोज 11 की मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों ये सबसे बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों कि विंडोज 11 को अच्छे से चलने के लिए हार्डवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोसेसर में सबसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की जो बात हो रही है दोस्तों वो है कि विंडोज 11 को 1 GHz या तो उससे फास्ट वाला प्रोसेसर चाहिए जिसमें कम से कम 2 या तो उससे ज्यादा कोर्स होनी चाहिए और वो कंपैटिबल 64-bit प्रोसेसर होना चाहिए। इसमें जो मेमोरी चाहिए दोस्तों सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेमोरी की वो है 4GB रैम। आपके कंप्यूटर में कम से कम 4GB की रैम रखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आप विंडोज 11 आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो। स्टोरेज की बात करूं दोस्तों तो इसको कम से कम 64GB का स्टोरेज चाहिए या तो उससे ज्यादा हो या मिनिमम कम से कम 64GB होनी चाहिए। इसके अगर सिस्टम फर्मवेयर की बात करूं दोस्तों तो इसमें UEFI सिक्योर बूट कैपेबल होना चाहिए और इसमें TPM यानी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। TPM चिप एक सिक्योर क्रिप्टो प्रोसेसर है। TPM टेक्नोलॉजी डिजाइन किया गया है हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी रिलेटेड फंक्शंस प्रोवाइड कराने के लिए। इसके ग्राफिक कार्ड की बात करो दोस्तों तो माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि इसमें कम से कम डायरेक्ट X12 वाला कंपैटिबल ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। और अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं दोस्तों तो इसमें 9 इंच का HD डिस्प्ले 720p का कम से कम होना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से काम कर सके। और एक इंटरनेट कनेक्शन तो आपको मालूम ही है ये होना ही चाहिए। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी पीसी खरीद चुका हूँ विंडोज 10 के साथ, कैसे पता चलेगा कि इस पीसी में मैं विंडोज 11 भी इंस्टॉल कर सकूंगा। इसके लिए दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पीसी हेल्थ चेक, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डिटेल चेक कर सकते हो और अपना पीसी पे रन करके चेक कर सकते हो कि आपका जो पीसी है या लैपटॉप है क्या ये आपका विंडोज 11 इंस्टॉल कर पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। तो फाइनली आप विंडोज 11 के बारे में जान गए हो वो बातें जो आपको जानना जरूरी है। आई होप दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक कर दिया होगा। और अभी भी कोई डाउट है विंडोज 11 को लेके तो कमेंट जरूर करना। इसी तरह की हमारी नॉलेजेबल और ट्रस्टेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।